अब सीधे आपको लिए चलते विधानसभा जहां इंदिरा मीणा पहुंची, देखिए तस्वीरें। बामनवास से विधायक इंदिरा मीणा है, आज ट्रैक्टर से पहुंची है विधानसभा। इंदिरा जी, ट्रैक्टर से पहुंचने का कारण? हाँ, ट्रैक्टर से हम इसलिए पहुंचे हैं कि आप देख रहे हो कि देश की मोदी सरकार ने 3 काले कानून पास किए हैं। वो 3 काले कानून देश की पूरी जनता को दुखी करके छोड़ा है। देश के किसानों की आत्मा पर, हृदय पर उन्होंने वार किया है। हर बार नहीं बोला, देश का हर इंसान की जब रेल बेची, एयरपोर्ट बेचा तो मोदी जी कुछ भी करते रहे, लेकिन देश का हर नागरिक चुप रहा। लेकिन आज देश का हर बच्चा, हर महिला, आज आप मुझे देख रहे हो कि एक महिला होने के नाते, मैं फिर भी कोई लोग कहते हैं कि महिलाएं कमजोर होती है, लेकिन आज ट्रैक्टर चलाकर, क्योंकि मैंने बचपन से सीखा है ट्रैक्टर चलाना, खेती। कई लोग कहते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं लोग, लेकिन ये राजनीति करने का आजकल में सीखने वाला मैटर नहीं है। आज परिवार को, बैकग्राउंड को हम देखते हैं तो हम किसानी परिवार से आते हैं और उसी का संदेश देने के लिए आज ट्रैक्टर द्वारा पहला दिन था सत्र का, तो हम उसी तरीके से आए हैं और हम देश में संदेश देना चाहते हैं, मोदी सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि 3 जो काले कानून आपने पास किए हैं उनको वापस लेना ही होगा। ये देश की जनता चुप नहीं रहेगी। आज जिस तरीके से किसान और जवान को मोदी जी ने लड़ाया है, एक जवान बेटा अपने किसान बाप पर लाठियां बांध रहा है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि किस तरीके से वोट डाल के राजनीति करने का काम किया है। इंदिरा जी, राहुल गांधी भी आ रहे हैं किसानों के मुद्दे पर, लेकिन बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को 50 साल देश की जनता मौका दे चुकी है। आखिर किसानों का सच्चा हितैषी कौन है? मौका दिया है। अरे भाई, इस पे मत डालना, मत खेल देना सामने मीडिया वाले। तो देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया, कहीं बार सरकार रही है देश के अंदर, लेकिन आप देख रहे हो कि किस सुई भी जब नहीं बनती थी देश के अंदर, आज देश को किस तरह यहाँ लाके खड़ा किया, ये कांग्रेस की देन है। आजादी की लड़ाई लड़ने में और अंग्रेजों को बॉर्डर पर हम गए हैं, हम सांजापुर बॉर्डर पर गए हैं, मेरा फेसबुक देखिए, उसमें आपको मिल जाएगी फोटो में, हम सांजापुर बॉर्डर पर गए हैं। 26 तारीख को हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ही हैं, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष गए हैं और हमने ट्रैक्टर भेजे हैं और लोगों को भेजा है, क्योंकि हम नहीं जा रहे थे और इतने दिन से हम चुप थे। आपकी पार्टी भी 3 बिल लेकर के आई थी, लेकिन उन बिलों को भिजवा ही नहीं पाए राष्ट्रपति के पास। 3 बिल हम गवर्नमेंट, यहाँ राजस्थान की गवर्नमेंट ने विधानसभा में 3 बिल पास किए हैं, 3 बिल बनाकर भेजे हैं, उन बिलों को राज्यपाल जी अपने पास रखकर बैठे हैं। हम अनुरोध करना चाहते हैं, आप मीडिया वाले मेरे भाई हैं सारे, अपने मीडिया के माध्यम से उन तक संदेश पहुंचाइए कि आप इन बिलों को अपने पास रखकर नहीं बैठे, जहां तक हमको नॉलेज है राष्ट्रपति जी के पास भेजे, ताकि हमारे बिलों पर, संशोधन बिलों पर कोई कार्रवाई हो सके। राहुल गांधी जी के आने से क्या किसान जुड़ेगा कांग्रेस से? किसान राहुल गांधी जी के आने से जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये सारी चीजें अलग बात है। वो सिर्फ हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, राहुल जी का काम है लोगों को जागरूक करना, देश की जनता को आईना दिखाना। आगे आप देख रहे हो कि देश का किसान तो बच्चा इनके विरोध में खड़ा हुआ है, और आप सबको पता है कि किस तरीके से पूरे देश में आग लगी पड़ी है। तो ये आप लोग उस सवाल को ना करें कि राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी है, हमारा काम है देश की लोगों को संदेश देना। सचिन पायलट भी अलग अलग जगह किसानों की सभाएं कर रहे हैं, क्या अपने क्षेत्र में आप भी करवाएंगे उनकी सभा? क्षेत्र में सब जगह किसानों की सभाएं हो रही है, हम लोग हमारे लेवल पे 1 महीने से सभा करवा रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि सीनियर नेताओं को बुलाकर, पायलट जी हो, गहलोत साहब हो, हम जो भी नेता हमको समय देंगे उनको बुलाकर हम बड़ी सभा भी कराएंगे। तो आपने मीणा जी को सुना, जहां वो पूरे समर्थन दे रही है किसान।